एक बहुत ही साधारण दवाई मिनोक्सीडिल के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में तमाम तरह के जो भी फैक्ट्स और मिथ्स हैं उनके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिनोक्सीडिल जो दवाई है उसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को थोड़ी बहुत कुछ न कुछ जानकारी होती ही है, लेकिन सही जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिनोक्सीडिल के बारे में ऐसी एक साधारण कहावत है कि ये हर तरह के गंजापन में बहुत ही उपयोगी दवाई है और ये किसी भी प्रकार के गंजापन में उपयोग की जा सकती है। तो यह एक बिल्कुल ही भ्रांति, मतलब मिथ बोला जा सकता है, क्योंकि ये कुछ गंजापन में ही उपयोगी होता है, सभी प्रकार के गंजापन में ये उपयोगी नहीं होता है। ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मतलब कि आनुवंशिक गंजापन में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग पाया गया है और ये जो दवाई है सबसे ज़्यादा इसी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही इसका उपयोग कुछ और तरह के गंजापन जैसे कि टेलोजन एफ्लुवियम या फिर एलोपेसिया एरिएटा, इस तरह के गंजापन में भी की जाती है, लेकिन जो दूसरे तरह के गंजापन हैं जैसे कि स्कारिंग ग्रुप के एलोपेसिया हैं उसमें इसका उपयोग जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है और या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है। तो एक प्लेन लैंग्वेज में ये बोलना कि ये सभी प्रकार के एलोपेसिया में काफ़ी उपयोगी दवाई है तो ये बिल्कुल ही गलत कथन होगा। इसके अलावा ये कुछ और तरह के एलोपेसियाज जैसे कि कीमोथेरेपी एलोपेसिया, मतलब जो कीमोथेरेपी कैंसर की दवाइयों की वजह से एलोपेसिया होती है उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। इसी प्रकार से मिनोक्सीडिल को लेकर के कुछ ये भी भ्रांतियां हैं कि लोग अक्सर मिनोक्सीडिल और फिनास्ट्राइड नाम की एक दवाई होती है उन दोनों को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, कभी कभी ओवरलैपिंग वे में उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हाल में ही एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि ऐसा शायद उसने कहीं से सुना है कि मिनोक्सीडिल की वजह से यदि लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो सर पे कैंसर हो सकता है या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इनफर्टिलिटी की भी दिक्कत आ सकती है, मतलब नपुंसकता की भी दिक्कत आ सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत फैक्ट है, मतलब गलत मिथ बोल सकते हैं। इसको लंबे समय तक उपयोग करने पर भी इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहनाम है कि यदि लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो इसका जो सही इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं। तो ये भी बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी है। इसका लंबे समय तक उपयोग करने पर भी इसका रेजिस्टेंस नहीं देखा गया है, इसका बेनिफिट लंबे समय में उपयोग करने में भी पाया गया है। इसी प्रकार इसके साइड इफ़ेक्ट की बात यदि हम लोग करें तो मिनोक्सीडिल के साइड इफ़ेक्ट को लेकर के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मिनोक्सीडिल की वजह से बालों में रूखापन एवं कड़ापन आ जाता है। तो ये जो रूखापन या कड़ापन वाली बात देखी गई है वो यूजुअली मिनोक्सीडिल साल्ट की वजह से विशेष नहीं देखी गई है, जो बैकग्राउंड में यूज़ होने वाला बेस मटेरियल है उसकी वजह से ज़्यादा देखा गया है। मतलब कि जैसे कि यदि बिल्कुल ही अल्कोहल बेस प्रिपरेशन में मिनोक्सीडिल डिस्पेंस किया जाए या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में, तो ये सब रूखापन या कड़ापन देखा गया है। या फिर आप मिनोक्सीडिल का स्प्रे डायरेक्टली आप लंबे बालों पर ऊपर से स्प्रे कर लेते हैं तो जो अल्कोहल बैकग्राउंड मटेरियल वो इवेपोरेट हो जाता है और बाल रूखे एवं कड़े हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्प्रे से ना यूज़ करने की बजाय आप ड्रॉपर यूज करें, बालों को सेपरेट कर लें और बालों की जड़ों पे, मतलब कि चमड़ी पे आप मिनोक्सीडिल एक एक बूंद करके गिराएं, ना कि स्प्रे से ही रैंडमली स्प्रे। स्प्रे जो होता है वो यदि आपके छोटे बाल हैं, बिल्कुल ही छोटे महीन बाल हैं तो उस कंडीशन में, या फिर बाल गंजापन है तो उस कंडीशन में स्प्रे यूज़ करना ज़्यादा आसान और यूज़फुल होगा रैदर देन यदि आप लंबे बालों पर यूज़ करें। इसी तरह कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि मिनोक्सीडिल यूज़ करने के बाद डैंड्रफ बढ़ जाता है, तो ये भी एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन है। मिनोक्सीडिल जो पाउडर होता है वो व्हाइटिश कलर का पाउडर होता है, तो यदि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो मिनोक्सीडिल के क्रिस्टल्स जो पाउडर हैं वो कभी कभी रूट्स पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक तो दवाई जितना आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है 0.5 to 1 ml यूज़ करने का उतना ही यूज़ करें, ज़्यादा मत यूज़ करें। और दूसरी चीज़, ऐसे कंडीशन में आपको रेगुलर शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपको पाउडरी नेचर से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस कंडीशन में दूसरे जो प्रिपरेशन मिनोक्सीडिल के नए प्रिपरेशन जैसे जेल फॉर्मुलेशन या फोम फॉर्मुलेशन है उसे आपको यूज़ कर लेना है।
मिनोक्सिडिल की वजह से कभी कभी सर में खुजली या रेडनेस या स्केलिंग ज़्यादा देखने को मिलने को दिखती है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये बहुत ही कम केसेस में देखा गया है। यदि आप इस तरह का साइड इफ़ेक्ट फेस करते हैं तो आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना तुरंत बंद करना चाहिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत ही रेयर केसेस में मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद पूरे फेस पे अचानक से स्वेलिंग, रेडनेस और बहुत ज़्यादा सूजन, कभी कभी पानी निकलने की भी दिक्कत देखी गई है। तो इस कंडीशन में तुरंत ही आपको मिनोक्सिडिल बंद करना चाहिए और आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेकर के इन साइड इफ़ेक्ट से मुक्ति पानी चाहिए। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने जो अभी बताए हैं ये बहुत ही रेयर, मतलब कि हज़ारों या लाखों मरीजों में से किसी किसी एक में देखने को मिलती है, मतलब ये अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो बेस की बात कर रहा था मैं, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या फिर अल्कोहल बेस, उनकी वजह से भी कुछ केसेस में देखे गए हैं। तो यदि बेस चेंज कर दिया जाए और दूसरे तरह के फॉर्मुलेशन यूज़ किए जाए मिनोक्सिडिल के, तो कभी कभी इन साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ पेशेंट्स इस तरह कंप्लेन लेकर के आते हैं कि मिनोक्सिडिल लगाना जब भी शुरू करते हैं तो बाल झड़ना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मिनोक्सिडिल यदि एक्यूट टेलोजन इफ्लुवियम या फिर एनाजन इफ्लुवियम में यूज़ किया जाए तो बाल गिरना आपके बढ़ सकते हैं। लगातार कंटिन्यूस लगाया जाए, रेगुलर बेसिस पर लगाया जाए, तो थोड़े समय के बाद ये बाल झड़ना रुक जाते हैं और फिर से नए मोटे, मजबूत और टिकाऊ बाल उगने लगते हैं। तो इसके पीछे मिनोक्सिडिल का जो मैकेनिज्म है वो इम्पॉर्टेंट होता है। मिनोक्सिडिल जो होता है वो एनाजन, जो मोटे मजबूत बाल हैं, उनको प्रमोट करता है, रूट्स पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा करके। और कुछ माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पर मिनोक्सिडिल जो मजबूत एनाजन, जो ज़्यादा टिकाऊ बाल होते हैं, उन्हें प्रमोट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप मिनोक्सिडिल लगाना शुरू किए हों, जैसे मिनोक्सिडिल सबसे ज़्यादा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो जब मरीज लगाना शुरू करता है तो शुरुआती कुछ दिनों में ऐसा लग सकता है कि बाल गिरना बढ़ गया है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं। एक मायने में ये समझें कि मिनोक्सिडिल जो है आपका काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो आपके नए मोटे मजबूत बाल भी लेकर के आएगा। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी ना घबराएं। थोड़ी हेयर शेडिंग हो तो ये जो यूजली जो हेयर शेडिंग होती है वो पतले मुरझाए निर्जीव जो बाल होते हैं उनकी शेडिंग बढ़ती है, इन्हें कैटेजन हेयर बोला जाता है। तो उसे बिल्कुल भी ना घबराएं। कमज़ोर बाल वैसे भी कुछ दिनों में गिर ही जाते, तो यदि मिनोक्सिडिल से जो कैटेजन बाल हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाते हैं तो उनसे घबराएं ना, उनके जगह पर ये मोटे मजबूत बाल लेकर के आएगा। तो ये एक मायने में निगेटिव साइड इफ़ेक्ट न कहा जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक तरह से पॉजिटिव मार्कर के तौर पर लिया जाना चाहिए कि मिनोक्सिडिल से आपके बाल यदि झड़ना बढ़ गए हैं तो थोड़े दिन में आपके न्यू हेयर ग्रोथ भी आने लगेंगे। तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। अक्सर पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन मिनोक्सिडिल का यूज़ किया जाना चाहिए। तो जो गाइडलाइंस हैं, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, इंडियन गाइडलाइंस हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो ये बोलती हैं कि महिलाओं में 2 से 5% मिनोक्सिडिल यूज़ की जानी चाहिए और पुरुषों में 5 से 10% मिनोक्सिडिल 1 से 2 बार यूज़ की जा सकती है दिन में। मतलब कि ज़्यादातर जो रिकमेंडेड डोजिंग है वो 1 ml सुबह शाम ही मिनोक्सिडिल की रिकमेंडेड डोज है। बाज़ार में अभी 12.5% का भी मिनोक्सिडिल उपयोगी 12.5% का भी मिनोक्सिडिल अवेलेबल है और कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ साइट्स ऐसा रिकमेंड करती हैं कि ज़्यादा डोज में मिनोक्सिडिल यूज़ करने पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। 12.5% मिनोक्सिडिल यूजली डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में ही डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करने पे मिनोक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप हायर कॉन्सेंट्रेशन का मिनोक्सिडिल ना यूज करें और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मिनोक्सिडिल है वो अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही उपयोग करें। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि मिनोक्सिडिल का लंबे समय तक यूज़ करने पे इंटरनल ऑर्गन पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो ये भी एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन ही है, क्योंकि जो मिनोक्सिडिल जो साधारण कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ की जाती है, मतलब कि 2 से लेकर के अधिकतम 10% तक के कॉन्सेंट्रेशन में जो यूज़ की जाती है, उस पर ये देखा गया है कि ये स्किन से डीपर लेयर में नहीं जाती है।
मतलब कि आपके जो सिस्टमिक खून में इसका एब्जॉर्प्शन लेस देन 3% ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है, और ऑलरेडी जो लगाने वाले सॉल्यूशन होते हैं उसमें मिनोक्सिडिल का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है। तो साधारणतः इससे शरीर पर लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी किसी तरह का कोई नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं पाया गया है, तो इसके उपयोग से बिल्कुल भी ना डरें। तो इसी चीज़ की वजह से कुछ लोग ऐसा मतलब मानते हैं कि लंबे समय तक इसे उपयोग करने से बचना चाहिए, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है, तो इसको लेकर के घबराएं ना। आपका डॉक्टर यदि लंबे समय तक रिकमेंड कर रहा है, मतलब 6 महीना साल भर तक, तो इसको कंटिन्यूस यूज करते रहें। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद हमें दूसरे ऑयल्स नहीं यूज़ करना चाहिए, और ये दूसरे ऑयल लगाने से इसका साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है या फिर इसकी इफ़िकेसी मतलब इसकी क्षमता कम हो जाती है, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। मिनोक्सिडिल यूज करने से, जैसे कि यदि आप बिल्कुल वाटर बेस या अल्कोहल बेस मिनोक्सिडिल यूज करते हैं तो कभी कभी ड्राइनेस देखने को मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप निश्चिंत होकर के कोई भी घरेलू ऑयल जैसे कि नारियल का तेल या फिर आंवले का तेल, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे मिनोक्सिडिल लगाने के पहले भी यूज़ किया जा सकता है या बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई भी डरने या घबराने की बात नहीं है, आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से मिनोक्सिडिल की जो क्षमता है उसके पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ना ही इसका साइड इफ़ेक्ट या कोई इसकी इफिकेसी पर असर आता है। तो काफ़ी हद तक आपको मिनोक्सिडिल के बारे में कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। यदि कोई क्वेरीज हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें या कमेंट करें। थैंक यू।